गुड मॉर्निंग। लेसन सिक्स में आज हम पढ़ेंगे जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी जो शक्तियां हैं अर्थात जो क्षेत्राधिकार है अर्थात कार्य है। चाहे से आप चार क्षेत्राधिकार हो चाहे शक्तियां हो चाहे कार्य हो, एक ही बात है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके क्षेत्राधिकार हम पढ़ेंगे आज, जिनमें सबसे पहला है जो पहली शक्ति है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहली शक्ति क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखिए जो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत क्या है, तो दो तरीके के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, नंबर एक और नंबर दो, है ना। दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना, दो प्रकार के क्षेत्राधिकार है। पहला जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, ठीक है। दोनों का अंतर पढ़ेंगे हम, दोनों में अंतर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है और किस प्रकार से जो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार है होता है, दोनों का अंतर समझेंगे। अब देखिए प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि केवल ये जो क्षेत्राधिकार है ये जो शक्ति है केवल इससे संबंधित जो कार्य करेगा वो केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इसके अलावा हमारे देश में कोई सा भी कोर्ट इससे संबंधित फैसले नहीं दे सकता। अब इसमें कौन कौन से विवाद आएंगे, इस प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विवाद आएंगे, तो उनकी बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जब आपसी विवाद होता है तो उससे संबंधित जो मामले होते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार से कोई संघर्ष चलता है तो इससे संबंधित जो फैसले हैं, इससे संबंधित जो सुनवाई है वो केवल हमारे सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, इसके अलावा इसको तो हम बोलते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ शक्तियां राज्य को भी दी जाती है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय, दोनों में ये क्षेत्राधिकार है समान रूप से है। आप देखिए प्रारंभिक जो समवर्ती क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की जो सुनवाई है, मौलिक अधिकारों की जो सुनवाई है वो उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें भी कर सकते हैं, अर्थात दोनों जगह समान रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की जाती है, अर्थात ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और हमारे जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। जिसको हमने कहा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में हमने पढ़ा कि केवल इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी और वो मामले कौन से होंगे, तो दो या दो से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का संघर्ष चलता है तो उनसे संबंधित जो भी निर्णय जो भी फैसले जो भी सुनवाई होगी वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी। दूसरा हमने पढ़ा समवर्ती क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय वो भी मौलिक अधिकार में रक्षा के प्रयास करेगा और जो हमारा उच्च न्यायालय है वो भी हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में वो हमारे जो मौल अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। पहली शक्ति कंप्लीट, इसके बाद में दूसरी पे देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार, अर्थात जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसे
अंतिम भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अर्थात सबसे ऊपर ये जो अपीलीय न्यायालय है वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। लास्ट जो सबसे उच्च स्तर की जो अपील है वो कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में किसी भी स्थान पर अपील नहीं कर सकते, किसी भी स्थान पर अपील नहीं कर सकते, यानी कि अंतिम अपील सुनने का जो अधिकार है वो केवल हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अब देखिए जो अपीलीय न्यायालय है उसके अंतर्गत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसे चार प्रकार की अपील सुनने का अधिकार है, अर्थात चार प्रकार की जो अपील है वो होती है। हम बात करें कि अपील कितने प्रकार की होती है, तो अपील कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। अपील कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की अपील होती है। अब देखिए चार प्रकार की जो अपील है वो कौन कौन सी है, किससे संबंधित है? सबसे पहली जो अपील है उसे हम कहते हैं संवैधानिक अपील, और ये अनुच्छेद 132 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 132 के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत अपील जो पहली जो अपील है वो संवैधानिक अपील है। संवैधानिक अपील का मतलब ये होता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। किसको है? वो हमारे संविधान की व्याख्या कर सकता है। संविधान में जो नियम लिखे गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, संविधान में जो अनुच्छेद है, जो अनुसूचियां हैं, उनकी व्याख्या करने का अधिकार किसे है? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसे कहते हैं हम संवैधानिक अपील। ठीक है, दूसरी जो अपील है उसे कहते हैं दीवानी अपील। दीवानी अपील का मतलब दीवानी अपील कहेंगे इसे, तो जो मामले धन दौलत जमीन जायदाद इससे संबंधित होते हैं, धन दौलत जमीन जायदाद से संबंधित जो संघर्ष करते हैं उनकी अंतिम अपील कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और इस अपील को क्या कहते हैं? इस अपील को कहते हैं दीवानी अपील। क्या कहते हैं इसे? दीवानी अपील कहते हैं। इसके बाद में देखिए तीसरी जो अपील है उसे कहते हैं फौजदारी अपील। क्या कहते हैं? फौजदारी अपील। फौजदारी अपील किसे कहेंगे? तो फौजदारी अपील के अंतर्गत क्या होता है? जमीन ये जो अपराध है, अपराध से संबंधित जितने भी मामले हैं, अपराध से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसे फौजदारी अपील कहते हैं। फौजदारी मामले कहते हैं। और फौजदारी मामलों की जो अंतिम अपील है कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपराध से संबंधित है जैसे चोरी डकैती लूट कसोट हत्या मारपीट, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये अपराध से संबंधित होते हैं, चोरी डकैती हत्या तो ये अपराध से संबंधित है और इनको हम बोलते हैं फौजदारी मामले। और फौजदारी मामलों की अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लास्ट चौथी अपील है उसे हम कहते हैं विशिष्ट अपील। वैसे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तृत है, ये अनेक जगह पर अपना क्या कर सकता है, ये अपना एक तरीके से किसी भी मामले में ये सुनवाई कर सकता है, इसे हम अंतिम अपीलीय न्यायालय इसीलिए कहते हैं। अब देखिए जो विशिष्ट अपील है उसका मतलब ये है कि इस ये जो ऊपर वर्णित किए गए हैं इनमें भी अगर किसी प्रकार का कोई मामला छूट जाता है तो उससे संबंधित जो अपील होती है उसे विशिष्ट अपील कहते हैं। केवल सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय जो होता है उसको छोड़कर ये हर प्रकार की अपील की सुनवाई करेगा, हर प्रकार के फैसले देगा। केवल यहाँ पर किसको छोड़ा जाएगा? सैनिक न्यायालय को। सैनिक न्यायालय के संबंध में किसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं दे सकता। तो और जो बच गए वो सब विशिष्ट में आते हैं, और विशिष्ट अपील भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसकी भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला और दूसरा, यानी कि पहला क्षेत्राधिकार और दूसरा क्षेत्राधिकार, अर्थात पहली शक्ति और दूसरी शक्ति हमें पड़ी। पहला था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक के अंतर्गत हमने पढ़ा प्रारंभिक एक में क्षेत्राधिकार, जिसमें दो या दो से अधिक जो राज्य उनका संघर्ष होता है तो उससे संबंधित सुनवाई की जा सकती है। दूसरा है प्रारंभिक संप्रति क्षेत्राधिकार, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय और
जो शक्तियां